हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बुक का ऑनेस्ट रिव्यू करने जा रहे हैं। कौन सी है ये बुक, तो आप इसका कवर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बुक है मैथ्स फॉर्मूला बुक बाई आदित्य रंजन सर। तो सबसे पहले इस बुक का जो है नेम जानते हैं क्या है, तो नेम है ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों, मुझे इसके नेम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, ब्रह्मास्त्र। जब हम लोग रामायण या महाभारत देखते हैं तो वहाँ पे सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो अस्त्र शस्त्र होता है वो ब्रह्मास्त्र को ही माना जाता है कि उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। तो सेम इस बुक का जो नाम है ब्रह्मास्त्र, ये सही है, क्योंकि इससे आपको जो नॉलेज मिलेगा वो शायद और कम टाइम में, और आप इसको रिवाइज कर पाएंगे जब एक बार आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम करेगा। तो इसके नेम को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इस बुक से जुड़ी जो भी डिटेल्स है, छोटी से छोटी डिटेल, वो इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस बुक का जो ऑनेस्ट रिव्यू है उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, नेम तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, अब चलिए इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो एक बार आप इसका कवर पेज अच्छे से देख लें, जो आगे का कवर है, तो मुझे इसका कवर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस बुक में क्या खासियत है। तो दोस्तों, इस बुक की खासियत आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम्स ज्योमेट्री के चैप्टर्स में समझाए गए हैं वो कलरफुल है। यानी कि जब आपको खासकर ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट डायग्राम होता है तो बहुत से लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, पर हम उस भी बुक से सकते हैं। पर जब कलरफुल होता है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होता है और पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। दोस्तों, ये जो बुक है वो सेकेंड एडिशन है। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं, सेकेंड एडिशन है। इसका फर्स्ट एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जब आप लोग परचेज करने जाएं या ऑनलाइन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर कर रहे होंगे, तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि आप लोग सेकेंड एडिशन को ऑर्डर करें, या फिर अगर लोकल बुक शॉप से खरीदने गए हैं तो वहाँ से सेकेंड एडिशन ही लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ आप हल्का सा भी आपका ध्यान भटका तो आप फर्स्ट एडिशन लेके आ जाएंगे। और फर्स्ट एडिशन वर्सेस सेकेंड एडिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको सेकेंड एडिशन में वो क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं जो फर्स्ट एडिशन में आपको नहीं था। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एक एक करके, जितने भी यहाँ पे डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला जो बुक था ब्रह्मास्त्र एडिशन 1, उसमें मात्र 112 पेज थे और सेकेंड एडिशन में 300 पेज है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 112 पेज का जो कंटेंट होगा और 300 पेज का जो कंटेंट होगा, आप इन दोनों के बीच का गैप को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलने जा रहा है। और सिर्फ कंटेंट ही ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी भी उसका कंटेंट का जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो पहले में कंटेंट भी कम और क्वालिटी कह सकते हैं कि ठीक है, एक ही टीचर का है तो क्वालिटी वही रहा होगा, बट कंटेंट जो है वो ज़्यादा है सेकेंड एडिशन में। सेकेंड बात करते हैं हम लोग कलर को लेके। तो दोस्तों, फर्स्ट एडिशन में जो बुक के अंदर जो प्रिंटेड मटेरियल थे वो क्या था, वो ब्लैक एंड वाइट में था। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया भी है यहाँ पे, कि आप ज्योमेट्री के जो डायग्राम्स हैं वो देख सकते हैं कि सर्कल या ट्रायंगल किस तरीके से कलरफुल में दिया गया है। तो सेकेंड एडिशन आपको ब्लैक एंड वाइट में नहीं होगा, मल्टी कलर होगा। अब कहीं पर ब्लैक एंड वाइट है तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट भी मिल सकता है, बट जहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है, तो वहाँ पर कलर का यूज़ किया भी गया है। थर्ड हम लोग बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ टॉपिक्स को लेके। तो फर्स्ट एडिशन में जो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स थे वो सिर्फ 18 थे जो कि उस बुक में कवर किए गए थे, जबकि सेकेंड एडिशन में दोस्तों 32 टॉपिक्स को भी कवर किया गया है। और इसमें डिजिटल सम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे भी कवर किया गया है। बहुत से बच्चों को डिजिटल सम समझ में नहीं आता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन, आप उसको हथियार कह लें, ट्रिक कह लें, जो कि एग्जाम्स में हमें हेल्प करता है। तो फर्स्ट एडिशन में डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि सेकेंड जो एडिशन है ये बुक आई है इसमें उसको इंक्लूड किया गया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कैलकुलेशन टेक्निक को लेके। तो फर्स्ट एडिशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, आप कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो उस बुक में नहीं था, जबकि सेकेंड एडिशन में उसको दिया गया है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली डिजाइन फॉर, यानी कि जो पहला बुक था वो उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों, पहले बुक का जो फोकस था वो SSC और उससे जो सिमिलर एग्जाम्स थे उनको माइंड में रख के डिजाइन किया गया था, जबकि जो ये वाला बुक है सेकेंड एडिशन, इसको तमाम एग्जाम्स को माइंड में रखा गया है। आप कह सकते हैं कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अब उसमें SSC भी तो कवर हो ही जाएगा। तो सेकेंड वाला एडिशन जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए है, और फर्स्ट एडिशन जो था
और वो सिर्फ एसएससी और उससे सिमिलर एग्जाम्स जो थे उसको माइंड में रख के बनाया गया था। अब दोस्तों हम लोग प्राइस का बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस जो है आई थिंक 180 था, मैंने अमेजोन से इसको ऑर्डर किया था और प्लस उसमें डिलीवरी चार्जेस लग गए थे, तो आप उसको माइनस करके ही चलिए क्योंकि अगर आप अमेजोन प्राइम यूज़ करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ सकता है। तो और अगर आप जाते हैं लोकल बुक शॉप पे या फिर इवन आप अमेजोन के अलावा कहीं और से ऑर्डर करते हैं तो प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप उस पर आप देख सकते हैं कि आपको लोकल बुक शॉप पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, बट मुझे जो है अमेजोन से 180 का पड़ा था। अब दोस्तों मैंने कहा कि आपको सबसे जो ज़्यादा जो दिमाग में बात रखना है वो यह है कि जब आप बुक परचेज करने जाएँ तो वहाँ पर जाकर आप एडिशन 1 खरीद के लेकर नहीं आएँ, क्योंकि बुक का कवर आपको सेम मिलेगा। तो इस बात का आप प्रॉपर ध्यान दें कि आप सेकेंड एडिशन ले रहे हो, क्योंकि अगर आप लोकल शॉप पे जाएंगे वहाँ पे बहुत सा भीड़ होता है, आप उनको बोलेंगे कि हमको मैथ फॉर्मूला बुक आदित्य रंजन सर का दे दीजिए, वो आपको हड़बड़ी में फर्स्ट एडिशन भी पकड़ा सकते हैं, या इवन जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे तो आपका अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हल्का सा भी इधर से उधर हुआ और आप जो है ऑर्डर कर देंगे फर्स्ट बुक, तो इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों इस बुक के बारे में और बात कर लेते हैं, तो ये बुक जो है फ्रेंड्स मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि इस बुक को सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, पब्लिश किया गया है, तो ये मैथ्स जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना है तो वहाँ पे आपको मल्टीपल बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जा रहे थे जहाँ पे आपको एटलीस्ट 8 से लेकर क्लास 12 तक के जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने हैं, तो आप हर क्लास के बुक को इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते हैं और आपको रिवाइज करने का भी उतना टाइम नहीं मिलेगा, और फिर आपको बर्डन भी फील होगा कि मुझे 8th का बुक पहले रिवाइज करना है, 9th का करना है, फिर 10th का, फिर 11th के दोनों बुक, 12th के दोनों बुक। तो ये जो बुक है दोस्तों ये फाइनल सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यानी कि अगर ये बुक आपके पास है तो आप बहुत कम टाइम में और 5-6 बुक के बजाय एक बुक में आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझाया गया है उसका एग्जांपल भी दिया गया है, तो साथ में आप एग्जांपल्स को भी जब देखेंगे तो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा, आप लोगों को इस बुक का रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और दोस्तों आप में से कितने लोगों ने इस बुक को ऑर्डर कर दिया है या परचेज करके लेके आप आ गए हैं, तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ एक रिव्यू रहा होगा, व्यू पॉइंट रहा होगा, तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है वो लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, परचेज करने के बाद उनको कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, तो इस बुक को आप ज़रूर से ज़रूर परचेज करें और कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।